अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साहब अबकरी में लिखते हैं, कलम की ताकत से दुखी इंसानियत के सिसकते बिलकते जख्मों पर मरहम लगाएं और कराहते लोगों को शफाई दवा दें, तो फिर लिखने में देर कैसी। आप भी हज़रत साहब को ख़त लिखें और अपनी नस्लों के लिए सुकून की दुआएं करवाएं। एक और अनमोल मोती के साथ हाजिर हुई हूँ। बीवी ने घर से निकाल दिया, कातलाना हमले हुए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा घर बार छूट गया है, बीवी बच्चों ने घर से निकाल दिया है। बीवी ने कोर्ट से खुला ले ली है। नजरे बद जादू जिन्नात के मुझ पर बहुत असरात हैं। मुझे 2 से 3 बार मारने की भी कोशिश की गई। पूरा जिस्म जकड़ा हुआ है। खुसूसी वजीफा इनायत फरमाए। हजरत साहब ने जो उनको जवाब भेजा, कच्चा बर्तन, कोई परात या कोई लोहे का थाल नुमा बर्तन लेकर पानी से भर लें, चारपाई पर बैठकर इसमें अपने पांव डिबो लें। अगर गर्मी है तो पानी ठंडा हो और अगर सर्दी हो तो नीम गर्म पानी में पांव डिबो लें। पांव डिबोना बहुत जरूरी है। और बावजू होकर बैठे, बावजू बैठ कर आप 1100 बार या कहारो पढ़ें। अमल करने के बाद इस पानी को गिरा दें। सुबह शाम पढ़ें। कम से कम 120 दिन ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे।